नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजनीति में अक्सर विरोधी और विरोधी पार्टियां बन जाती हैं, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी और सभी के विरोध को भी सहजता से स्वीकार किया, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में है और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरको बैंक के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का, जिन्हें अब पार्टी की तरफ से हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन का पदभार सौंपा गया है, जिसे उन्होंने बखूबी से निभाने का वादा किया है। उन्होंने बिना किसी अपने विरोधी का नाम लिए ही शब्दों के माध्यम से जमकर उन पर कटाक्ष किया। इसलिए तो कहते हैं कि कहने वाले कह गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। आपको बता दें कि हरियाणा टूरिज्म के नवनियुक्त चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव रेवाड़ी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। देखिए राजकुमार जी, हम लोगों ने पार्टी में काम करते हुए एक लंबी पारी खेली और पार्टी को पता है कि हमसे क्या काम लेना है। कभी संगठन का काम लेना है, कभी सरकार में काम लेना है, तो ये जो हमारे यहाँ निर्णय करने वाले लोग होते हैं उनको निर्णय करना होता है हमारे बारे में। हम जाके ना मांगते हैं, ना हम जाके कोई उनसे निवेदन करते हैं। उनको जो उपयुक्त लगता है, अभी तक 2 साल तक हरको बैंक के चेयरमैन के नाते दायित्व दिया हुआ था, 10 ईयर पूरा हो गया था, तो फरीदाबाद के नगर निगम के चुनाव का काम मेरे जिम्मे लगा दिया था। अभी दिल्ली चुनाव हुए थे तो दिल्ली चुनाव में हरियाणा की तरफ से सारा काम मैं देख रहा था। तो पार्टी का काम जो भी मिल जाता है उसको सहज भाव से हम लोग करते हैं। अब ये पार्टी ने हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन के नाते दायित्व दिया है, तो जितना पुरुषार्थ दे रखा है, जितनी योग्यता है, वहाँ अपने पद चिन्ह छोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं तो कम से कम अपना विरोधी विपक्षी किसी को मानता नहीं। सब लोग हैं, एक चाहे वो विपक्ष में जिनकी आप बात करते हैं, विपक्ष के नाते और राजनीति के अंदर निश्चित तौर पे ना चाहते हुए कई बार कोई विरोधी बन जाते हैं, विद इन पार्टी भी बन जाते हैं, लेकिन मेरा सबके प्रति सम्मान रहता है। मैं कभी कटुता की बात कभी करता नहीं, मैंने जीवन में कभी की नहीं। कोई मुझे अपना विरोधी मानता रहे तो वो भी मैं सहज भाव से लेता हूँ उसको। मैं उसको कभी बहुत बड़ा इशू मान के मैं चलता नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं। देखिए, जिम्मेदारी कोई बड़ी और छोटी नहीं होती है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। जो पार्टी को संगठन को तय किया है, जो आगे उनको अच्छा लगेगा वो काम मेरे जिम्मे लगाएंगे, वो काम मैं करूंगा। नहीं कोई लगाएंगे तब भी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे, लंबे लंबे समय तक काम किया है, बिना किसी जिम्मेदारी के भी काम किया है, तो वो हमारे सहज स्वभाव में शामिल हो गया है। इसलिए हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि क्या जिम्मेदारी दी है क्या नहीं दी है, अपनी सहज गति से सहज भाव से पार्टी का काम हम लोग करते रहते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।